क्या भी अंधा है क्या, देख नहीं चल सकता? वैसे तू भी तो देख कर चल सकता था, गलती तेरी है, तूने जानबूझकर मेरी टक्कर मारी है। कम बोल कम बोल। हाँ किया जानबूझकर, क्या कर लेगा तू? मुसलमान आतंकवादी हो आतंकवादी, तुम जैसे लोग को खत्म करना हमारा काम है। भाई जान दूसरों पर ब्लेम करना बंद कीजिए। अरे जा पढ़ाया खत्म करने वाला, और एक बात सुन ले, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये बात कान खोल के हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे श्रेया तुम यहाँ यूपी में कब आई? 10 दिन हो गए मुझे आए। ओ यहाँ क्या कर रही है यहाँ पे? अरे वो सोनम से मिलने जा रही थी। सोनम? हाँ, मेरी फ्रेंड। अच्छा हाँ हाँ, तो चलो तुम बैठो, हम उधरी से चलना है, छोड़ देते हैं। अरे विपिन तू आज अचानक सुधर कैसे? कहीं से जा गए थे तो ये मिल गई, तो हम छोड़े इसको, तो हम भी आ गए तो मिलने चले। अच्छा और कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है, बहुत दिन बात दिखाई दी। हाँ यार, हमारी फ्रेंड में ऋषभ और आशिक दोनों धर्म को लेकर लड़ाइयाँ करती रहती थी, मेरा बाहर जाना बंद हो गया यार। ऋषभ और आशिक अच्छे दोस्त थे ना यार। अरे यार मैं क्या बताऊँ, अब कर रहे लोग उनकी वजह से मेरा बाहर जाना बंद हो गया यार। ये सही बोल, ये तो गंभीर विषय है यार, कुछ करना पड़ेगा, तुमको को समझाना पड़ेगा। अरे महादेव भाई। महादेव भाई महादेव। और क्या हंग है? हम बढ़िया है भाई, कंग मिलना था। मिलिए मिलिए। हाँ भाई कंग मिलना था, आ जाओ पार्क में 9-10 बजे। ठीक है, मुलाकात होती है पार्क में। ठीक भाई महादेव। हाँ भाईजान। कैसे हो भाईजान? अब बस आपकी दुआ है भाईजान। कंग वही मिलना था, इसीलिए फोन किया था। ठीक है भाईजान, जरूर मिलेंगे आपसे। हाँ वही 9-10 बजे पार्क में। 10 बजे ठीक है भाईजान, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। कैसे हो? सब बढ़िया है, अपना बताइए। पाजी कंग मिलना था। चलिए कल, चलिए ठीक है कल मिल लिया जाता है। हाँ कंग आओ पार्क में आओ 10 बजे। ओके ओके भाई, कल मिलिए। ठीक पाजी। इधर रच जादो प्याली चाय, खानदानी दौलत धुए में उड़ाए, बाहर निकले भाई की बोले पे हम सबको बोलते मियां भाई। नवाबों की बस्ती शेरों का है नाका, कुतुल्ला पर मेरा है इलाका, मलक पेड़ हो या तरना का, हर तरफ है मियां भाई का डाका, अन्ना हो या यालो भाई सब। तू यहाँ क्या कर रहा है? जब इसे बुलाना तो हमें क्यों बुलाया तुमने? अगर मुझे पता होता कि तू यहाँ आएगा तो मैं यहाँ पे कदम नहीं रखता। ये यहाँ से जाएगी, मैं यहाँ से जाऊँ? तुझे क्या लगता है मैं तेरे कहने पे आऊँ? वो तो भाई जाने कॉल करके बुलाया, इसीलिए मैं चला आया। अरे यार तुमको कौन झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं?
तुम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, आज इतने बड़े दुश्मन बन गए हो। आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने बड़े दुश्मन बन गए? दोस्ती दिल से की थी इससे भाईजान, दोस्ती इससे दिल से की थी। लेकिन ये कहता है कि हर मुसलमान आतंकवाद होता है, क्या इस देश पर सिर्फ हिंदुओं का हक है, हम मुसलमानों का हक नहीं है? हाँ, हमारा देश हमारा ही है। अरे ये देश जितना तुम्हारा है उतना इन सभी का है। क्या है तुम्हारा, चार चार शादियाँ कर लेते हो, एक तो सवार होता नहीं है। हाँ हम करते हैं चार शादियाँ, लेकिन तुम्हारी तरह एक शादी के बाद चार चार अफेयर नहीं करते हैं। अरे जा, तुमने तो भारत की पॉपुलेशन बढ़ा रखी है, आठ आठ बच्चे दस बच्चे पैदा कर लेते हो। हाँ हम करने की हिम्मत तो करते हैं, तुम्हारी तरह लड़कियों को पेट में नहीं मार देते हैं। आई बात समझ में? अरे बस करो यार, तुम लोग को यहाँ झगड़ने के लिए मैंने नहीं बुलाया। आज तुम लोग को कुछ समझाना था, इसलिए आज हम इस समय सबको बुलाए हैं। ये तुम लोग को समझाना इस तरीके से कोई संभव नहीं है। भाई तुम अपने गुरुद्वारे से अपने कपड़ा में क्या हो भाई, अब तुम अपने मंदिर से अपने धर्म का कपड़ा लाओ। ठीक है भाई जान, तुम भी अपने मस्जिद से अपने धर्म का कपड़ा लाओ। ये क्या होगा न कि आओ तो सही, एक घंटे बाद हम यहीं मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लाते हैं चलाते हैं। भाई लोग तुम 2 मिनट के बाद आओ, तुम लोग जाओ उधर, 2 मिनट के बाद मैं बुलाता हूँ। आ जाओ भाई। अब समझ में आया भाई, जितना तुम्हारा इस देश में हक है उतना इसका हक है, उतना इसका हक है। इन तीनों के धर्म को मिला के हमारा फ्लैग बनता है। हमारे देश के फौजी जो बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, ये सोच के वो रक्षा नहीं करते कि हमारे देश में हिंदू है और मुसलमान है, हम सिर्फ हिंदुओं का रक्षा करेंगे मुसलमान का नहीं। वो बस ये सोच के करते हैं कि हमारे देश में हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं और उनके रक्षा करते हैं। और हमारे देश का किसान ये सोच के खेती नहीं करता, एक सोच के फसल नहीं उगाता कि ये फसल बस हिंदू खाएगा या मुसलमान खाएगा। वो ये सोच के फसल उगाता है कि हमारे देश के हर एक नौजवान हर एक युवा खाएंगे जो हमारे देश के लिए आगे चल के काम करेंगे। सही बात। तो आओ हम सब मिल के अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ के। मेरे साथ कौन? भारत माता की जय। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों ये किसी जात या धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया है। हमारा ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज है कि हम जाति धर्म की लड़ाइयाँ छोड़ के सब लोग मिल के अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, अपने देश के हित में काम करें। जय हिंद जय भारत। रुक जाओ, चलो 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 स्टार्ट। हर आतंकवादी आतंकवादी होता है।